हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैल्शियम एंड विटामिन D3 के टैबलेट्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे कि उसके अलग अलग कौन से टॉप ब्रांड और पॉपुलर ब्रांड्स के अंदर ये टैबलेट अवेलेबल है और उसका डोज वगैरह क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं और वार्निंग एंड प्रिकॉशंस के बारे में भी हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 2 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कैल्शियम एंड विटामिन D3 के टैबलेट्स के बारे में। जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें तो ये टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन है कि जिसके अंदर कैल्शियम भी है और विटामिन D3 भी है, तो ये हमें विटामिन प्रोवाइड करता है और साथों साथ मिनरल सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। कि यहाँ पे आप उसका कंटेनर देखिए तो उसके कंपोजिशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये कैल्शियम और साथ ही है उसके अंदर विटामिन D3। तो कैल्शियम जो है वो उसके अंदर 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल होता है और विटामिन D3 की जिसको केमिकली कॉल कैल्सीफेरॉल जो कहा जाता है, जिसके 250 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये होगा ये टैबलेट का कंपोजिशन और दिस मेडिसिन कॉम्बिनेशन इन टैबलेट डोजेस फॉर्म इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन D एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये खास समझ लीजिए कि ये टैबलेट को यूज़ किया जाता है तो विटामिन D एंड कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरी करने के लिए। कि अगर समझो कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये टैबलेट कॉम्बिनेसन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं उसके हम अलग अलग ब्रांड्स कि ये सभी ब्रांड्स के अंदर आप देखो तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 है और सभी का जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहता है। तो सिपकेल 500 मिलीग्राम टैबलेट की जो सिप्ला का ये प्रोडक्ट है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिपकेल 500 मिलीग्राम टैबलेट फॉर मिनरल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जिसके अंदर विटामिन भी है और मिनरल्स भी है। फिर दूसरा उसका ब्रांड देखें तो सेलकेल 500 मिलीग्राम टैबलेट कि ये देख सकते हैं आप सेलकेल की जिसके मैन्युफैक्चर आप देख सकते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो है उसको मैन्युफैक्चर करते कि जो सेलकेल है जिसके अंदर भी कैल्शियम एंड विटामिन D3 है। फिर डेली कैल 500 टैबलेट कि ये वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा फेमस ब्रांड देखो तो कैल्साइन D करके है कि जिसके अंदर भी कैल्शियम एंड कॉल कैल्सीफेरॉल है कि विटामिन D3 एंड कैल्शियम है। फिर ओसोपान D टैबलेट आते हैं, जैमकल D3 एंड ओसीवाइट 500 मिलीग्राम टैबलेट। तो ये सभी ब्रांड के अंदर कैल्शियम एंड विटामिन D3 जो है वो मेन कंपोजिशन रहता है। अब जानते हैं कि हमारी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है। तो कैल्शियम इज़ ए नेसेसरी मिनरल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और बॉडी के जो अलग अलग फंक्शन है तो उसके लिए ये जो कैल्शियम मिनरल है उसकी ज़रूरत काफ़ी रहती है। जैसे कि नर्व ट्रांसमिशन कि जो न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर हार्मोन के सिक्रेशंस के लिए भी कैल्शियम का होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी ज़रूरी है, वास्कुलर फंक्शंस के लिए ज़रूरी है एंड हेल्दीनेस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट कि हमारे जो बोन्स है फिर उसके जो जॉइंट्स वगैरह है उनके हेल्दीनेस के लिए भी कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है। तो अलग अलग डाइटरी सप्लीमेंट्स में से तो हमें ये कैल्शियम मिल जाता है, बट समझो कि आपके खाने के अंदर कैल्शियम जो है वो प्रॉपर पूरी मात्रा में नहीं है और उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर समझो कि कैल्शियम की कमी हुई है। तो उस वक्त ये विटामिन D3 एंड कैल्शियम के जो टैबलेट है वो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर विटामिन D3 की हम जाने कि D3 की ज़रूरत क्यों है। तो D3 जिसका मतलब है कॉल कैल्सीफेरॉल की जो हमारी स्किन बनाती है कि जब वो सनलाइट के अंदर एक्सपोज होती है, बट जो डेली रिक्वायरमेंट समझो कि पूरी नहीं होती, जो विटामिन D3 की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो वो आपको बाहर से एज अ सप्लीमेंट लेने होते हैं कि ये जो टैबलेट्स वगैरह जो आप लेते हैं तो उससे आपकी विटामिन D3 की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो D3 की हम ज़रूरत समझे तो बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि हमारे बोन्स एंड मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, उसके लिए ज़रूरी है। बिकॉज जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है बोन्स, तो बोन्स अच्छे से मजबूत होना ज़रूरी है। उसी तरह से जो मसल्स होते हैं वो भी प्रॉपर, उनके अंदर भी प्रॉपर मजबूती होना ज़रूरी है। तो ये दोनों के लिए विटामिन D3 का प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो होना ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, और उसकी समझो कि कमी है तो बोन्स एंड मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं बॉडी के अंदर। फिर विटामिन D3 जो है वो बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, इंक्रीज करता है मूड को, आपका मूड भी बनाए रखता है। इम्यूनिटी खास इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी सिर्फ विटामिन D3 के सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। फिर एड इन वेट लॉस, वेट लॉस में हेल्प करता है एंड इम्प्रूव द हार्ट फंक्शन, कि जो हार्ट है हमारा, जो हृदय है, उसके जो अलग अलग फंक्शंस है उसके अंदर भी ये D3 हेल्प करता है। एंड विटामिन D डेफिशिएंसी में कोज फ्रैक्चर, मसल पेन एंड वीकनेस। तो कई बार क्या होता है कि जो फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो उसका रीज़न समझो कि बोन आपके काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली कई बार थोड़ा सा भी प्रेशर आने पर बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। फिर रेगुलरली आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो पेन करते हैं एंड आपको वीकनेस जैसा फील होता है बॉडी के अंदर। तो उसका रीज़न कई बार ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो उसका उसको पूरा करने के लिए आप जो है वो ये टैबलेट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब जान लेते हैं ये टैबलेट के बेसिक यूज़ की, ये जो कॉम्बिनेशन है उसका बेसिक यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि विटामिन D एंड कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए ये टैबलेट्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट्स को। फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके इलाज में पेशेंट्स को ये टैबलेट दिए जाते हैं, कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन जो है वो आपके काफ़ी पोरस हो जाते हैं, कि ये वाले बोन है वो नॉर्मल बोन है, उसके कंपेयर में ये नीचे वाला जो आप बोन देखो तो काफ़ी पोरस, मतलब कि जो उसके अंदर छिद्र जो होते हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, पोर्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, बोन काफ़ी वीक हो जाते हैं आपके, और ज़्यादा वीक होने पर आगे जाके उनका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो उसके इलाज में ये टैबलेट यूज़ किया जाता है। फिर बोन रिलेटेड जितने भी अलग अलग डिसऑर्डर्स है, कि बोन्स आपके वीक हो चुके हैं, बोन की मजबूती कम हो चुकी है, तो ऐसे सभी केसेस के अंदर ये टैबलेट पेशेंट्स को दिया जाता है। फिर विटामिन D एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम एंड D3 की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स भी उसको यूज़ करती है। फिर बात करें तो सपोर्ट इन ए ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, स्टमक अल्सर, हार्टबर्न लाइक कंडीशन, कि अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, स्टमक अल्सर्स का प्रॉब्लम है और हार्टबर्न रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके मेडिसिन्स के साथ ये टैबलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जो सपोर्ट करेंगे आपको उनके इलाज के अंदर। फिर सातवें नंबर का उसका यूज़ देखें टू रिमूव द एक्सेसिव फॉस्फेट फ्रॉम द ब्लड इन पेशेंट अंडरगोइंग किडनी डायलिसिस, मतलब कि जो डायलिसिस करवाते हैं, कि जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है समझो कि आपको, तो किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बॉडी में से, उनके ब्लड में से एक्सेसिव फॉस्फेट को रिमूव करवाने के लिए कई बार ये टैबलेट जो है वो मेडिकल सुपरविजन्स के अंदर जो है वो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फॉर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन एंड जॉइंट, कि आपके बोन काफ़ी हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, बोन्स के साथ साथ जो जॉइंट्स है वो भी प्रॉपर हेल्दी रहना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है, तो उनके लिए भी ये टैबलेट आप खा सकते हैं। बोन स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस, कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करवाने के लिए भी ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता चला कि आपके बोन्स जो है वो वीक हो रहे हैं, तो तुरंत ये टैबलेट के जो सप्लीमेंट्स है वो स्टार्ट किए जाते हैं। टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ वीक बोन, कि आपके बोन्स वीक है, कि ये देखो ये वाले डायग्राम के अंदर तो बोन्स जो है वो ये मजबूत बोन्स है, बट जैसे ही बोन वीक हो जाते हैं तो सबसे पहला उसका असर पड़ता है ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ये जो है वो इस तरह से बैंड हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है। तो जो वीक बोन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर, उसके इलाज में ये टैबलेट जो है वो काफ़ी असरदार साबित होते हैं। टू प्रोवाइड द डेली रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन D3 टू द बॉडी, की हमारी बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट होता है कि कई बार हमारे खाने के अंदर ये सभी न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं होते, तो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए ये टैबलेट जो है वो आप खा सकते हैं। एंड इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे उसके यूजेस है ये मेडिसिन के, कि बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी है और साथ ही साथ यूज़। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये टैबलेट्स क्यों प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप उसको प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि जब आपका 12 वीक का जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, कि जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तभी से ये टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो इट हेल्प इन बॉर्न फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर, कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर से अब जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है बेबी के अंदर, तो उसके अंदर स्पेशली जो बॉर्न फॉर्मेशन और उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये टैबलेट जो है वो दिए जाते हैं। फिर उसका डोज की हम बात करें तो डेली 1 टैबलेट इज़ टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमन, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान डेली 1 टैबलेट जो है वो ली जाती है। एंड हेल्प इन ए मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन मदर एज वेल एज इन डेवलपिंग बेबी, के प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है और साथों साथ जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब जान लेते हैं उसके डेली डोज के बारे में। तो डेली 1 टैबलेट, के दिन में 1 ही टैबलेट लेना इनफ रहता है, ज़्यादा टैबलेट लेने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। और उसका प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से रहेगा 001, मतलब कि रात को 1 टैबलेट जो है वो आप खा सकते हैं, डेली 1 ही टैबलेट लेनी है और वो भी आप रात को खा सकते हैं सोते समय। तो ये होगा उसका डेली डोज और कुछ तरह से यूज़ करनी है। फिर समझना ज़रूरी है उसके साइड इफ़ेक्ट, कि अगर कोई समझो कि ओवरडोज में यूज़ करता है, इफ़ यूज इन ओवरडोज साइड इफ़ेक्ट्स विल अकर्स, कि नॉर्मल डोज में आप यूज़ करते हैं प्रॉपर आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझो कि उसका ओवरडोज होता है तो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, कि ज़्यादा कैल्शियम एंड विटामिन डी के टैबलेट्स खाने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि आपकी भूख जो है वो कम हो सकती है। फिर फीलिंग थ्रस्टी मतलब कि प्यास लगेगी बार बार आपको, ऐसा फील होता है। स्टमक पेन हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कि बार बार आपको यूरिन करने जाना पड़े, मसल्स आपके वीक हो सकते हैं, बिकॉज लिमिट में ज़रूरी है कि कैल्शियम मसल्स के लिए ज़रूरी है बट वो भी लिमिट में। अगर वो लिमिट हम क्रॉस करते हैं, काफ़ी एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, तो मसल्स स्ट्रांग होने के बजाय मसल्स आपके हो जाएंगे वीक, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जितना कैल्शियम ज़्यादा होगा मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होने से वो मसल्स जो है वो आगे जाके हो जाते हैं काफ़ी वीक। तो एक्सेसिव यूज़ ना करें ये टैबलेट को कभी भी। फिर हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, कई बार क्या होता है कि ये टैबलेट आप ओवरडोज में यूज़ कर लेते हैं तो आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी पर होते हैं, जैसे कि ईचिंग होना कि जिसको हम कहते हैं खुजली होना, वीजिंग जैसा हो सकता है, आपको रैसेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है टंग मतलब कि आपका जो जीभ का जो पोर्शन है वहाँ पे स्वेलिंग मतलब कि सूजन देखने को मिल सकती है। एंड थ्रॉट के अंदर भी सूजन देखने को मिलेगी कि अगर आप उसको ओवरडोज के अंदर यूज़ करते हैं। फिर बात करें उसके वार्निंग्स की, कि कौन से कंडीशंस में उसको यूज़ ना करें। तो सबसे पहले तो समझो कि आपको एलर्जी है, कैल्शियम कार्बोनेट की, कि जिसका मेन इंग्रेडिएंट है, या फिर विटामिन D3 या फिर किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है तो भी उसको यूज़ नहीं करना है। हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड, कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें। फिर पेशेंट विथ किडनी फेलियर, कि किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये टैबलेट्स जो है वो हम नहीं देते। इफ़ यू हैव ए हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, कि आपकी बॉडी के अंदर समझो कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें। फिर नेवर टेक थायराइड मेडिसिन एंड कैल्शियम एंड विटामिन D3, इट मे कोज द ड्रग इंटरेक्शंस विथ ईच अदर। कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज ना हो और थायराइड की मेडिसिन भी आपको चल रही है और ये टैबलेट भी आप खा रहे हैं, तो उसके कारण सीरियस ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है और उससे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कभी भी थायराइड के मेडिसिन एंड कैल्शियम एंड विटामिन D3 के टैबलेट जो है वो एक साथ यूज़ ना करें, कि अगर समझे कि कैल्शियम एंड D3 की ज़रूरत है तो उतने समय तक आप थायराइड के मेडिसिन जो है वो स्किप कर सकते हैं डॉक्टर के सलाह अनुसार, और जैसे ही कैल्शियम एंड D3 का कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर से आप थायराइड के मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट दोनों को साथ में लेना जो है वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है, तो ये खास ध्यान में रखना है विटामिन D3 एंड कैल्शियम की टैबलेट्स को जब आप यूज़ करें। तो ये था स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विटामिन D3 एंड कैल्शियम टैबलेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप पर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें और एक्सेस करिए वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज़ एंड स्टडी मटेरियल फार्मारॉक्स के ऐप पर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।